औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दाएं और सलामत रखे। अल्लाह पाक कभी कोई मुश्किल परेशानी आप पर ना लाए। आज का अमल बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा फरमाइश पर यह अमल आपको आज मैं बताऊँगी। लेकिन अमलियात अगर आप करते हैं, अमलियात अगर सीखते हैं, तो ये दिल में रखें कि जब आप अमल में कामयाब हो जाते हैं तो अपने प्यारे बहन भाइयों की मदद करेंगे, ना कि उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ना कि कोई गुनाह का काम करेंगे। ठीक है, अमल अल्लाह पाक जो अमल करता है वो अल्लाह पाक उसको वली का रुतबा अता फरमाते हैं, वो वलियों में हो जाता है। आमिल अमल करने वाला, और अमल का तल्लक वली से है और अल्लाह पाक से जुड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। आज मैं आपको तीन योम का अमल, जो शीशे का अमल है, रूहानी शीशा इसे कहते हैं और इसको बातनी शीशा भी कहते हैं, और जादुई आईने के नाम से ये अमल किया जाता है। मेरे जो अमलियात मैं आपको सिखाऊंगी और जो आपको अमल बताऊंगी, वो अमल ख़ास हैं जो हमारे बड़ों के इस्तेमाल में हैं। गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल करना नुकसानदेह है आपके लिए। अमल का तरीका आप गौर से सुन लें। ईशा की नमाज के बाद आपने थोड़ी देर सोना है। जब आप सोकर उठें, चाहे वो आधे घंटा हो, चाहे वो 20 मिनट हो, चाहे वो 2 घंटे हो, उठकर ये अमल करें। ईशा की नमाज के बाद जब आप सो जाएं और जब भी उठें, वो तहज्जुद का ही टाइम आपके लिए माना जाएगा, आप ये अमल तब करें। इसमें सोना शर्त है। एक गोल शीशा ले, उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा आप शीशे के ऊपर दें। अब शीशे का जो साइज है वो एक बालिश्त, यानी अपने हाथ जितना आपका हाथ है उतना साइज होना चाहिए, इससे ना बड़ा ना छोटा, जितना आपका हाथ है उतना ही उसका साइज शीशे का होना चाहिए। ये एक मुबारक शीशा है, इसका ख्याल रखिएगा। जब आप बावजू हों, कपड़ों की कोई वो नहीं, आप कोई सा भी पाक साफ कपड़ा पहन सकते हैं। अगर आपके कपड़े साफ नहीं हैं, आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है, आप अपने कपड़े बदल कर ये अमल करें। वुजू करें, अगर आप शावर लेना चाहते हैं या गुसल करना चाहते हैं तो गुसल कर लें। अब आप मुकम्मल एक पाकीज़गी का मुजाहरा करते हुए जायनमाज पर बैठे 3 मरतबा आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है। आईना अपने हाथ में पकड़ के या सामने रखें, और 4 कुल आपने पढ़ने हैं, आईना सामने अपने रखें। ठीक है, अब पहले आयतल कुर्सी आपने पढ़ी, आयतल कुर्सी के बाद दम करें आईने पर, उसके हरे कपड़े के ऊपर ही आपने करना है। जो हरा मतलब के कपड़ा आपने उसके ऊपर दिया होगा, उसी के ऊपर आपने दम करना है। अब 4 कुल जो हरा कपड़ा आपने दिया हुआ है उसी के ऊपर, यानी ग्रीन जो आपने कपड़ा उसके ऊपर कवर किया हुआ आईने को, उसी के ऊपर दम करना, आईने को देखना नहीं आपने। अब या अल्लाह 4000 मरतबा आपने पढ़ना है। ये अमल आपने 3 दिन मुसलसल करना है। या अल्लाह, या अल्लाह, कोई सा भी आप लफ्ज अदा कर सकते हैं, अल्लाह को याद करना 4000 मरतबा। फिर अपने आईने के ऊपर दम करें, शीशे के ऊपर दम करें। दम करने के बाद आप किसी ऊंची जगह पर शीशे को रख दें। याद रखें, शीशा टूटना नहीं चाहिए, उसको इस तरीके से कवर किया हो। शीशा अगर टूटा तो फिर अच्छी बात नहीं है। अमल के दौरान शीशे का ख्याल रखें। अब ये अमल आपने 3 दिन करना है। ठीक है, जब आप 3 दिन ये अमल कर लें अल्लाह के नाम का, ठीक है, तो एक फरिश्ता एक मुकर्रर कर दिया जाएगा उस शीशे के पास। ठीक है, अगर आपको कोई भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको तकलीफ है, या कोई बीमारी है, या कोई हाजत रवा के लिए आपके पास आता है, अपनी बीमारी के लिए आता है, आप के ऊपर इसी तरह 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 4 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर दम करें, और आईने से आईना सामने रखकर दुआ करें। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी और हर तरह से जो आईने के जो अमल के मौकिल हैं वो आपकी मदद करेंगे। अमल के मौकिल हो सकता है शुरू शुरू में आपको ख्वाब में नजर आना शुरू हो, एक बुजुर्ग हस्ती की चेहरे मुबारक की तरह उनका होगा, और जैसे दरवेश होते हैं, जैसे
पाक साफ जो नमाजी परहेजी बुजुर्ग होते हैं वैसे चेहरे के मुताबिक भी आ सकते हैं, तो आप उनसे सलाम जो आप कर सकते हैं, वो अक्सर फिर आपको रियल लाइफ में यानी चलते फिरते भी वो आपको नजर आया करेंगे। लेकिन अल्लाह के नाम पर आपने ये अमल किया है, अल्लाह का नाम लेकर ये अमल किया है, अमल का गलत जो है आपने इस्तेमाल नहीं करना। शीशे के ऊपर सिर्फ 3 दिन ही दम करना है। जब भी पहला काम आपका होगा, पहली आपकी हाजत पूरी होगी, याद रखिएगा, फिर आप कोई मीठी चीज़ बच्चों में तकसीम करें, अपनी फैमिली में तकसीम करें, खुशी का इजहार करें और अपना अमल चल जाने की वजह से अपनी खुशी का इजहार करें और अल्लाह से और भी दुआ करें कि हर अमल में आपको कामयाबी अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। शीशे को बाबरकत समझकर किसी ऊंची जगह रखें, वो टूटे ना। अगर शीशा टूटता है तो फिर अच्छी बात नहीं है, उसका ख्याल रखें। अगर आपका कभी दिल हो कि ये शीशा अब इस्तेमाल का हर हाजत आपकी पूरी हो गई है, ये शीशा आप किसी को ना दें बल्कि मिट्टी में कहीं दफन कर दें और आप इस बात से, इस हक से खत्म हो जाएंगे कि आपकी तमाम हाजात पूरी हो चुकी हैं, अब आपको ये आपकी हाजत नहीं रही, आप किसी को ना दें, सिर्फ अपने तक महदूद रखें। किसी ने भी अमल करना है, इजाजत के बगैर अमल ना करें, इस्तखारे के बगैर अमल ना करें ताकि और मदद की जा सके। तमाम वीडियो मदरसा फातिमा तो ज़हरा की तरफ से पेश की जा रही हैं। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा तो ज़हरा यानी अपनी बहन से मदद हासिल कर सकते हैं।